विश्व मत्स्य दिवस पर राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां इस कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद शामिल हुए। मत्स्य दिवस के मौके पर विभाग ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में शामिल हुए लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि युवाओं को सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए और रोजगार देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में मछुआरों का फ्री बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड सहित तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा। दादाजी आए थे, उन्होंने आरएस लगाया। माननीय हमारे प्रांगण में परिसर में बहुत सारे स्टॉल। ये विश्व मछुआ दिवस था और विश्व के वैज्ञानिकों ने इकट्ठा होकर इस दिन को चुना था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज के दिन में हमें 2020 में पोलिटिकल गार्ड फादर की सरप्राइज दिला है। तो हमारे फिशरमैन के लोगों को उनको जानकारी दी है कि हमारी सरकार जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फ्री का बीमा है। हम इनको जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड है। आज के नाव होगा, जाल होगा, पोखरे होगा, तो भी उनको जो है मिलेगा। तो आज के दिन में उनको ये भी बताया गया है कि भाई आपको 60% सब्सिडी दी जा रही है, आपको किसान मतलब महिलाओं को 60%, पुरुषों को 40% है। निषाद राज बोर्ड तो आज इन्हें बताया गया कि भाई देखो आज ये प्रोटीन साधन है, आज के दिन में रोजगार के साधन है, और धन की देवी लक्ष्मी जो होती है वो कमल पर होती है, कमल पानी में होता है। तो आप पानी में अपने को लक्ष्मी मानो, मछली को आगे बढ़ा, और उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो तीर धनुष और मछली है, तो मछली को शुभ है। आप इस क्षेत्र में आइए और अपने को सर सर आज सर विश्व मत्स्य दिवस है, बड़ा प्रोग्राम किया सर, एक युवाओं के लिए आज विश्व मत्स्य दिवस पर जिस तरीके से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उनको सम्मानित किया गया और उनके रोजगार को लेकर तमाम तरीके के जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।